आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जागो ग्राहक जागो, ये स्लोगन आपने कई बार देखा होगा और कई बार सुना होगा, लेकिन ग्राहक जागते नहीं हैं। आप जागेंगे तो आप अपने पड़ोसी को जगा पाएंगे, ग्राहक जागेगा तो कोई आपको दिन दहाड़े धोखा नहीं दे पाएगा। ग्राहक जागता है तो व्यवस्थाएं अपने आप सुदृढ़ चलती हैं। आपके अधिकार क्या हैं? जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन आपको कोई भी दिन दहाड़े धोखा नहीं दे पाएगा। आपके क्या अधिकार हैं, इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विजय कुमार सक्सेना जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी से हम चर्चा करेंगे उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं, उपभोक्ता को क्या ध्यान रखना चाहिए। आप बाजार जाते होंगे, आप सामान खरीदते होंगे, आप हम सब उपभोक्ता हैं और हमारे अधिकार क्या हैं। विजय जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस है, ये क्यों मनाया जा रहा है? मैं बताना चाहूंगा ये क्यों मनाया जा रहा है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो है उपभोक्ताओं को उनके अधिकार बताना। चूंकि जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं और उसका जो मूल्य चुकाते हैं, हम ठीक उसी समय से उस वस्तु के, उस सेवा के उपभोक्ता हो जाते हैं। तो हमारे मूल चुकाने से ही, इसके समय से ही हमारे अधिकार अराइज हो जाते हैं, यानी कि हमें वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अब उन अधिकारों का कहीं हनन होता है या उस सेवा में कोई कमी होती है या उसकी कोई गुणवत्ता खराब होती है या कोई अधिक मूल्य ले लेता है, तो ऐसी सब सूरतों में हम उन अधिकारों का उपयोग करते हैं। इसी अधिकार को बताने के लिए 15 मार्च को पूरे विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सभी चाहते हैं कि उपभोक्ता अपना अधिकार समझे, वो जाने। और जैसा विजय जी ने हमको बताया कि जिस वक्त हम किसी भी सामान का दाम चुका देते हैं, उस वक्त से हम उपभोक्ता के अधिकार की श्रेणी में आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ विजय जी ये जानना चाहूँगी कि कई बार कन्फ्यूज़न होता है ग्राहक को, दुकानदार उसको एमआरपी पे सामान देता है, ग्राहक एमआरपी और असल मूल्य के बीच में उलझ जाता है, वो क्या है? देखिए, एमआरपी का वैसे सीधा शाब्दिक अर्थ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि सरकार ने उस पर्टिकुलर वस्तु का एक हायर साइड, ऊपर मूल्य तय कर दिया है। इस कट ऑफ प्राइस से कोई ऊपर वसूल नहीं कर सकेगा, चाहे कोई छोटा बच्चा, कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई भी आदमी बाजार में जाके सामान खरीदेगा तो उस एमआरपी से ऊपर कोई भी एक भी रुपया नहीं ले सकता। यदि उससे ऊपर कोई वसूली करता है या उसको ठगता है तो उसकी शिकायत सीधे सीधे उपभोक्ता फोरम। क्या एमआरपी मूल पर दुकानदार का सामान बेचना उचित है? क्या एमआरपी का भुगतान ग्राहक को करना चाहिए या एमआरपी और असल मूल के बीच में कोई खेल है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा। ये खेल कुछ इस तरीके से समझेंगे कि जो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है और जो सेलिंग प्राइस है, उसके बीच में कई बिचौलिए, कई श्रेणी के लोग होते हैं। जैसे हम देखें तो एक खुदरा व्यापारी होता है, एक स्टॉकिस्ट होता है ना, तो इन सब का भी एक अपना निर्धारित प्रतिशत मार्जिन में से निकालते हैं। तो ये उपभोक्ताओं को अधिकार दिया गया है कि वो एमआरपी पे भी तोल मोल कर सकते हैं, वो चाहें तो उस जो प्राइस है उस पर बातचीत करके कि नहीं भाई, इसमें आप मुझे और 10% कम करिए या मुझे कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है कीमत के हिसाब से, तो उस पर तोल मोल किया जा सकता। मतलब विजय जी का सीधा सीधा कहना है कि एमआरपी पे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे विजय जी ये जानना चाहूँगी, विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं, उसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। ओके, देखिए सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि 15 मार्च को ये दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इसमें ऐसा हुआ कि जब अमेरिका की संसद में जॉन एफ कैनेडी की अध्यक्षता वाली जो सांसद थी उसमें एक बिल पास हुआ था
जिसमें उपभोक्ताओं को ये अधिकार दिए गए थे। तो उसी दिन से एक दिवस का को मनाने की परंपरा सी शुरू हुई और उस वो था 15 मार्च। तो इसीलिए प्रत्येक 15 मार्च को पूरे वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ भोपाल या मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इसको अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमारे यहाँ भी 1986 में जब हमारे हिंदुस्तान की संसद में 24 दिसंबर 1986 को एक बिल राष्ट्रपति जी के समक्ष रखा गया, तो उस बिल का नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसको कि संसद ने पास किया। तो हमारे जो देश में जो कानून है, उस कानून में भी उपभोक्ता संरक्षण का इस प्रोटेक्शन को पूरे हिंदुस्तान की जनता को प्राप्त हुआ। अब आपका प्रश्न था कि इसमें कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनको कि उपभोक्ता को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, बहुत सामान्य भाषा में आपको मैं बताता हूँ, जैसे चुनने का अधिकार, आपने देखा होगा महिलाओं को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया चुनने का। बाजार में साड़ी खरीदने जाती हैं, एक साड़ी खरीदती हैं और 30 साड़ियाँ देखती हैं, तो सबसे ज़्यादा चुनने का अधिकार का उपयोग महिलाएं करती हैं। पुरुष थोड़ा सा संकोच करते हैं, दो कपड़े देखे, चार कपड़े देखे और वो कहते ठीक है भाई ये वाला आप दे दीजिए। तो मतलब आपका कहने का सीधा सीधा सा मतलब विजय जी का ये है कि महिलाएं अच्छी उपभोक्ता हैं और अपने अधिकार का सबसे ज्यादा पालन वही करती हैं, पुरुष अपने अधिकार का भी पालन अच्छे से नहीं कर पाते सीधा कहना है। इसी कड़ी में दूसरा होता है अधिकार, वो होता है राइट ऑफ नॉलेज। हमें हर चीज को खरीदने के पहले उसके बारे में जानने का अधिकार है। मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम एक मोबाइल खरीदने गए तो हमको सबसे पहले चाहिए कि हम उस मोबाइल के क्या उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन कौन सी उसके अंदर लेटेस्ट चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उन सब की जानकारी दुकानदार से करें। अगर दुकानदार हमको वो जानकारी नहीं देता है तो हमें उस दुकान सामान ही नहीं खरीदना। मतलब ये हमारा अधिकार है कि हम पूरी जानकारी लेने के बाद उस दुकान से सामान खरीदें, उस प्रोडक्ट को खरीदें जिसकी पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। तो एक हो गया नॉलेज। तीसरा अधिकार आता है कि जब ग्राहक दुकान पे जाता है, तो अगर आपने देखा होगा तो कि ये जो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बड़ी कंपनियां हैं, ये एक छोटा सा मैनुअल भी रखती हैं। जैसे टीवी खरीदा तो टीवी का मैनुअल आएगा, आपने सिलाई मशीन खरीदी उसका मैनुअल आएगा, तो और साथ में वारंटी कार्ड भी आता है। तो वो मैनुअल और वारंटी कार्ड इस बात का सबूत है कि आपने ये सामान खरीदा है और उसमें डेट और टाइम डाल दिया जाता है। तो ये भी एक आपका अधिकार है कि आप उससे संबंधित समस्त दस्तावेज को प्राप्त करें। इसके बाद एक अधिकार आता है कि अगर आपके साथ कोई चीटिंग हो जाती है, अब चीटिंग भी किस तरह की, जैसे किसी ने अधिक मूल्य ले लिया, या जैसे मान लीजिए किसी ने आपको घटिया सामान दे दिया, या कम तौल का, आपने देखा होगा आजकल एक बहुत चालाकी चल रही है, मतलब पहले तो 1 किलो, आधा किलो और 250 ग्राम, ये 3 माप ऐसे थे जो किसी बच्चे को बोलो या कोई भी जाके आसानी से ले सकता था। परंतु अब इन माप में गड़बड़ी दुकानदारों ने नहीं, मतलब जो मैन्युफैक्चरर, उन्होंने चालू करी, उन्होंने क्या करा कि 250 ग्राम को 200 ग्राम कर दिया, आधा किलो को 400 ग्राम कर दिया और 1 किलो को 800 ग्राम कर दिया। अब इसमें क्या है, कीमत वही रखी, आपको मूल्य भी उतने ही रखा और आपको माल। विजय जी, ये अंतर देखने में आता है कि आप गली में खड़े किसी सब्जी ठेले के पास जाइए, वो 250 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो की बात करता है, यही आप किसी मॉल में चले जाइए, वो 200 ग्राम, 100 ग्राम, 300 ग्राम की बात करता है। एक दूसरा अंतर ये भी आता है कि सब्जी वाला कभी आपसे नहीं पूछता कि साहब पन्नी लेंगे क्या, और मॉल में जाइए तो आपसे पूछा जाता है कि आप कैरी बैग लेंगे। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि थोड़ा काम होना चाहिए, मॉल पे भी शिकंजा कसा जाना चाहिए उपभोक्ता समिति की ओर से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो संस्था है, हमारी उपभोक्ता संरक्षण कल्याण सेवा समिति, इसके पास मॉल में जो बिस्लरी की बॉटल बिकती हैं या जो मॉल के अंदर जो थिएटर्स हैं उनमें बिस्लरी की बॉटल जो बिकती है,
उसमें कहीं 35 रुपये कहीं 50 रुपये तक लेते हैं। तो हमने इसके लिए कई बार जो है सरकार को चिट्ठियाँ दी और उसका नतीजा एक बहुत सुखद परिणाम ये आया कि सरकार ने उसमें ये कहा कि हम ये पानी की बोतल अब मॉल में बिकेंगे ही नहीं, अब मॉल में पानी की व्यवस्था मॉल करेगा, थिएटर में पानी की व्यवस्था थिएटर करेगा, ताकि ये वाला जो डिस्क्रिपेंसी है रेट की कि बाहर तो 15 रुपये में बेचो और अंदर 35 रुपये चार्ज कर लो। एक सवाल हमारे पास आपके लिए और आया था, स्कूल की कैंटीन में बच्चों को समोसा 5 रुपये का मिलता है और वहीं मॉल के थिएटर में वही समोसा आपको 50 रुपये का मिलता है, ये अंतर क्यों? समोसे में होता तो आलू ही है। आलू भी होता है, वही सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं, परंतु क्या होता है कि चूंकि उन लोगों का एक उसमें एक पक्ष था, मैं वो पक्ष आपको बताना चाहूँगा। क्या होता है कि एक कैंटीन का जो समोसा बनाने वाला है उसके पास जो एक्सपेंसेस जो हैं, ओवरहेड्स जो हैं, वो कम रहते हैं, इसलिए वो आपको कम मूल्य में दे पाता है। परंतु हम जब मॉल में जाते हैं तो वहाँ एसी भी चल रहा है, वर्दी वाले वेटर भी मिलेंगे आपको, और बहुत सारे उनको क्लीनिंग सफाई ये वो जो उसके नॉर्म्स होते हैं उनका पालन करना होता है। तो उनका सीधा सीधा अपना सबमिशन ये था कि साहब हम इतनी व्यवस्थाएं करते हैं इसलिए हम 10 रुपये ऊपर लेते हैं। वैसे ये व्यवस्था कहीं हजम नहीं होती ग्राहकों को, क्योंकि ग्राहक नहीं कहता कि आप सर पे टोपी लगा के और ड्रेस पहन के समोसा दें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज विजय जी आपसे जानना चाहूंगी, आपके प्रदेश महासचिव उपभोक्ता संरक्षण समिति कल्याण सेवा समिति है, ये अभी तो खैर 15 मार्च की बात है, हम उस विषय पे बात कर रहे हैं, इसके अलावा आप किस प्लेटफॉर्म पे क्या काम करते हैं ग्राहकों को जागृत करने के लिए? मैडम, हमने एक उपभोक्ता शिकायत मध्यस्थता केंद्र का की स्थापना की है। आज आपके इस चैनल से मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई भी मध्यस्थता केंद्र नहीं है, ये सिर्फ हमारा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। आपने देखा होगा रोज पेपर में ढेर केस आते हैं, ज़्यादातर केसों का जो निपटारा होता है वो मध्यस्थता से होता है। अभी मैं बहुत बड़े स्तर की बात नहीं करता हूँ, मगर छोटी जो करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ तक के जो भी केसेस आते हैं उसमें भी जब 2 पार्टी का झगड़ा होता है और कन्फ्रंटेशन में जाती हैं तो वहाँ भी एक मध्यस्थता के लिए किसी न किसी आर्बिट्रेशन को आर्बिट्रेटर को बैठाया जाता है। तो वो वाला कार्य हम लोग कर रहे हैं। इसकी बहुत सरल प्रणाली है, हम लोगों के यहाँ हमारे ऑफिस में एक लिखित आवेदन देना पड़ता है और उस आवेदन के माध्यम से फिर हम जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो विक्रेता है, जिसने माल बेचा है, चाहे वो अगुणकारी हो, ज़्यादा कीमत ली हो, तो फिर हम उसको बुलाते हैं और फिर दोनों पार्टियों को बिठा के अक्रॉस द टेबल आमने सामने हम उनसे कहते हैं कि भाई आप जो है इसमें एक मध्यस्थता एक रास्ता निकाल लीजिए, ताकि ग्राहक का सम्मान बना रहे, क्योंकि कहा जाता है कि उपभोक्ता बाजार का राजा है, तो ग्राहक की देवता है, ग्राहक की देवता है, तो राजा का सम्मान होना चाहिए। इसके दूसरा पक्ष ये है कि दुकानदार को भी कोई असम्मानित नहीं करना है, वो भी बहुत पूंजी लगा के और अपना व्यापार चला रहा है, पर कहीं ना कहीं दोनों को मध्यस्थता का लाभ हमारी संस्था देती है। और इसके लिए मैडम मैं बताना चाहूँगा कि हम 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते हैं, ये सारी सेवाएँ निःशुल्क हैं। बिल्कुल। अच्छा विजय जी, आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि उपभोक्ता जब जाता है और उपभोक्ता से जो न्याय लेने की बात होती है तो कभी कभी टर्म्स और कंडीशंस आ जाती हैं कि ये चीज़ हमारे लेवल में नहीं है, ये हमारे हिस्से से बाहर है, तो कौन कौन से ऐसी ग्राहक को आप, कौन कौन से सेक्टर आपके उपभोक्ता में आ जाते हैं? देखिए, इसकी तो डेफिनेशन बहुत सीधी सी है, जो मैंने अपने प्रारंभ में आपके पहले प्रश्न में ही बता दी थी कि जैसे ही हम लोग सामान खरीदते हैं हम उसके उपभोक्ता हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। सुबह हम जब सो के उठते हैं और जो पहला कार्य हम जो पेस लगाने का करते हैं, वहाँ से लेकर रात तक जब तक हम सोते नहीं हैं हम उपभोक्ता होते हैं। हम टेलीफोन यूज़ करते हैं, हम खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं, हम लाइट्स को यूज़ करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं, पेट्रोल डलाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या अपने व्यापार में जाते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो एक किसान हो या देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय हो, कोई भी हो, जो भी पैसे देके सामान खरीदता है वो उपभोक्ता हो जाता है और उसके राइट्स
उसी टाइम अराइज हो जाते हैं। हमारे देश में तीन प्रणाली इसमें न्याय देने के लिए बनी हुई है। एक होती है जिला स्तर प्रणाली, जिसको बोलते हैं जिला उपभोक्ता केंद्र, जहाँ पर अपनी शिकायत आदमी कर सकता है। ये प्रत्येक जिले में है, अपने मध्य प्रदेश में 52 जिलों में से करीब 39 जगह पे न्यायालय चल रहे हैं, अभी कुछ जगह नए अपॉइंटमेंट्स होने हैं। इसके साथ साथ इसमें एक व्यवस्था ये है कि इसमें तीन कॉपी में कोई भी पीड़ित उपभोक्ता आवेदन देता है, और उसके साथ जो उसके संलग्नक हैं जैसे बिल, कैश मेमो, वारंटी कार्ड या जो भी उसके साथ में उसको प्राप्त हुआ है उसकी छाया प्रति लगाए, और एक 100 रुपये का ड्राफ्ट, वो कीमत के आधार पर रहता है। तो जैसे जिला उपभोक्ता फोरम की जो सीमा आपने पूछी वो 20 लाख तक की है। विजय जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी, समय ब्रेक का हो चुका है, कहीं जाइएगा मत। विजय कुमार जी से हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी, आपके हक में बात हम जरूर करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विजय कुमार जी से हम चर्चा कर रहे थे आपके हक में। विजय जी, हम बात कर रहे थे, आप मुझे कुछ बता रहे थे कि 100 रुपये का ड्राफ्ट भरना जाता है, तो वो किस मुद्दे पे? जी, दरअसल मैं ये आपको बता रहा था कि जो न्याय प्रणाली है वो हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ न्याय प्रणाली यहाँ पर है, और इसमें प्रत्येक जिले में एक फोरम होता है। उस फोरम में 20 लाख तक के मुकदमे पीड़ित उपभोक्ता ला सकता है, और उसकी तीन प्रतियों, मैंने जैसे बताया कि तीन प्रतियों में उसको आपको जमा करना होगा और संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति लगानी होगी, और उसमें 100 रुपये का एक ड्राफ्ट भी लगता है, वो मूल्य के आधार पर रहता है। इससे अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है इस न्याय से, तो ऐसी सूरत में अपने भोपाल में स्टेट फोरम भी है, तो स्टेट फोरम में अपील की जा सकती है, और या 20 लाख से अधिक का मुकदमा है तो उसमें स्टेट फोरम में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। उसकी लिमिट है 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, और यदि 1 करोड़ से ऊपर का कोई मुकदमा है तो फिर उसके लिए दिल्ली में नेशनल फोरम है, तो उस नेशनल फोरम में जाकर इसको फाइल करना होता है। ये इसकी न्याय प्रणाली है। विजय जी, कई बार हम देखने में आया है कि जब कंडीशन बहुत ख़राब होती है, परिवार फंसा होता है, कोई बीमार हो जाता है, उस वक्त बीमा कंपनी वाले ऐसे ऐसे क्लॉजेस लाते हैं कि उस वक्त समझ नहीं पाता व्यक्ति कि वो अपना घर परिवार संभाले या इनके सारे डिमांड्स पूरे करे, तो उसमें आपका क्या हस्तक्षेप रहता है? बीमा कंपनी की कितनी शिकायतें आती हैं आपके पास? मैडम, बहुत टची क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों के आम जिंदगी को छूने वाला है। एक पॉलिसी होती है मेडिक्लेम, तो
तो मेडिक्लेम पॉलिसी जनरली लोग वही लोग लेते हैं जिनको कि उसका लाभ आगे आने वाले समय में अस्पताल में एडमिशन, ऑपरेशन और खर्चों के लिए प्राप्त होता है। तो ये अब जागरूक उपभोक्ता अगर है तो उसको मालूम होगा कि क्या क्या चीज़ें उसके साथ जरूरी हैं, अन्यथा अस्पताल पीड़ित उपभोक्ता के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। और उसको कैशलेस चाहिए, रात को अटैक आया है तो पहले उनसे कहेंगे आप इतना पैसा जमा करो, आप पहले ये दस्तावेज लाओ, आप ये रिपोर्ट करवाओ, वो रिपोर्ट करवाओ। तो इन सब सूरतों के लिए इंश्योरेंस में जो व्यवस्थाएँ हैं उसमें भी एक व्यवस्था दी है कि अगर कोई इससे असंतुष्ट होता है, अगर इनके दुर्व्यवहार से, या अस्पताल का दुर्व्यवहार हो या बीमा कंपनी का क्लेम पास करने में हो, तो ऐसी सूरतों में वो कंज्यूमर फोरम में अपना आवेदन लगा सकता है। यहाँ एक छोटी सी सलाह मैं ये देना चाहूँगा कि कंज्यूमर फोरम में लगाने के पहले एक बीमा के लिए, एक बीमा से संबंधित सारे बीमे, चाहे वो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, मकान, दुकान या जीवन का बीमा हो, तो एक बीमा ओम्बोड्समैन की व्यवस्था भी सरकार ने की हुई है। तो सबसे पहले बीमा ओम्बोड्समैन के यहाँ आवेदन लगाएं, वहाँ पर निःशुल्क आवेदन लगता है, वहाँ कोई वकील की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पीड़ित उपभोक्ता डायरेक्ट बीमा में अपना आवेदन लगा सकता है और वहाँ पर त्वरित न्याय मिलता है। यदि अगर वहाँ से असंतुष्ट होता है तो वो कंज्यूमर फोरम में लगा सकता है। तो बीमा में सावधानी का जहाँ तक आपने प्रश्न करा बताया कि क्या सावधानी रखना चाहिए ताकि कोई पीड़ित ठगा ना जा सके, तो उसके लिए क्या है कि जैसे जो बीमे के जैसे मेडिक्लेम की बात करूँ तो उसमें कुछ कार्ड्स वगैरह मिलते हैं, फैमिली कार्ड्स होते हैं, उनको पूरे परिवार के नॉलेज में लाकर एक ऐसी जगह एक फाइल बना के रखना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया या कोई बेहोश हो गया, वो बता ही नहीं सकता कि कहाँ कौन से पेपर रखें, तो पूरे परिवार का नॉलेज होना चाहिए। उसमें व्यवस्था रहती है कि क्या ये पेमेंट दे के इलाज किया जाएगा या कैशलेस व्यवस्था है, तो ये सारी जानकारियाँ उसमें रहती हैं। उसी आधार पर एक अस्पताल में बीमा टेबल होती है, उसको बोलते हैं TPA टेबल, थर्ड पार्टी टेबल, उस पर जाके अपना कार्ड और अपनी सारी पॉलिसीज़ का विवरण वहाँ देना चाहिए ताकि वो जो अधिकार हैं बीमित व्यक्ति के वो उसको समय प्राप्त हो सके। विजय जी, ये तो बीमा कंपनी की बात हो गई, बैंकिंग सेक्टर इस टाइम बहुत इजी हो गया है, ऑनलाइन पूरा काम होता है। बैंकिंग सेक्टर में हमने देखने में आया है कि हर चीज़ के लिए बैंक अब एक एक अलग अलग काउंटर बना के रखता है, लेकिन फिर भी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती ग्राहक की। बैंकिंग से संबंधित जो शिकायतें आती हैं उसका क्या निराकरण है? बैंक के संबंध में तो ज़्यादातर जैसे ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का चोरी हो जाना, या चेक है, चेक में कहीं अंडररराइट हो जाना, या कभी कभी जैसे ऑनलाइन बैंकिंग जो लोग करते हैं उनको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने पासवर्ड्स वगैरह को, अपनी बैंक की चेक बुक्स को, इवन अपने जो कार्ड्स है उनको किसी को शो नहीं करना चाहिए, इवन फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर ये चीज़ किसी के नॉलेज में आती है, लीक होती है, तो आपका रातों रात बैंक खाली हो जाएगा। क्योंकि सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि कैशलेस, आप ऑनलाइन जितना ट्रांजेक्शन कर सकें उतना। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी कुछ ग्राहक, जो आज की पीढ़ी है वो काफ़ी कंफर्ट है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, लेकिन फिर भी कहीं एक डर लगा रहता है, और हुआ भी है कई बार कि ऑनलाइन पेमेंट हम कर किसी और को रहे हैं, पहुंच कहीं और रहे हैं, और ऑनलाइन पेमेंट में हमने पेमेंट किया 1000 रुपये का और उसके आगे 10 ज़्यादा लग गया तो वो 10,000 हो गया। ऐसे में ग्राहक को सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? आपका सबसे पहले जिस जहाँ से आपने सामान खरीदा है तो एक तो उनको इन्फॉर्म कर दें कि हमने आपके यहाँ से ये सामान खरीदा था और ये पेमेंट हमने आपको करा है, ताकि वो अगर उस पेमेंट को जब तक ना निकाल पाए हों तो उनके नॉलेज में आ जाए। सेकेंडली, जो हमारा बैंक है, जिस बैंक का हमने ATM यूज़ करा है या कोई कार्ड यूज़ करा है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जिस बैंक से हुआ है, तो सबसे पहले उस बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए। और अगर रात का समय है तो आप एक मेल कर सकते हैं बैंक को, ताकि उसमें डेट और टाइम आ जाता है, तो आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो
ये शो करता है कि आपने इन टाइम बैंक को इन्फॉर्म कर रहा है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार देखने में आया है कि आपने कार्ड डाला और पेमेंट नहीं आया और पर्ची आ गई, ट्रांजेक्शन डन कैश नॉट रिसीव। ऐसी सूरतों में तत्काल जिसका जो एटीएम पे एक नंबर लिखा रहता है उस एटीएम के नंबर पे आप इन्फॉर्म करें, आपने जिस बैंक का एटीएम यूज़ करा है उस बैंक को इन्फॉर्म करें कि हमारा इस इतने बजे ऐसा ऐसा ये हुआ, और उनको मेल डाल दें या इन एक ऑन पेपर पे जरूर दीजिए ताकि आपके पास सबूत रहे और जब कभी आपको न्यायालय में जाने की आवश्यकता पड़े तो आप उसको वहाँ पर प्रस्तुत कर सकें। विजय जी 15 तारीख को आपका आयोजन है विश्व उपभोक्ता दिवस, ये कहाँ मनाया जा रहा है और इसमें क्या आयोजन कर रहे हैं आप लोग और कितनी संख्या में लोग आपके पास आएंगे या इस आयोजन में इकट्ठा होंगे, इसका क्या अनुमान है? ये आयोजन जो है मध्य प्रदेश सरकार करती है और इस साल का आयोजन भोपाल हाट में किया जा रहा है। मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं से सभी ने निवेदन करूंगा कि 15 मार्च को प्रातः 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक भोपाल हाट में ये कार्यक्रम होगा। ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, इसके अंदर जागरूकता की बहुत सारी स्टॉल्स हैं, उसमें ज़रूर आएँ, जरूर घूमें और अपना ज्ञान बढ़ाएं, नॉलेज बढ़ाएं, और वहाँ पर आपको शिकायत करने के लिए भी एक शिकायत पेटी है, वहाँ पर शिकायत का एक फॉर्मेट भी है, उस फॉर्मेट के माध्यम से आप अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो पूरे दिन भर एक कई ऐसे अनूठे कार्यक्रम होते हैं जिनको कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ क्विज़ का कार्यक्रम है, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बैंकिंग फ्रॉड, इंश्योरेंस फ्रॉड है या ऑनलाइन फ्रॉड, इन सबको वहाँ बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, और बहुत सारा ऐसा लिटरेचर जो आपने आम दुकानों पर नहीं देखा होगा वो लिटरेचर आपको वहाँ मिलता है। वहाँ नापतौल विभाग की स्टॉल होगी, वहाँ भारतीय मानक ब्यूरो की ISI मार्क के सामान देख के क्या लेना चाहिए, ISI मार्क क्या होता है, राइट ISI मार्क कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, औषधि प्रशासन की मिलावट से बचाव वाली स्टॉल होगी कि आपको अगर कोई शहद बेच जाता है उस शहद में कहाँ गड़बड़ है उसको कैसे पकड़ेंगे, दूध में कोई गड़बड़ है कैसे पकड़ेंगे, खाने पीने के सामान में कोई गड़बड़ है तो उसको कैसे पकड़ेंगे, बहुत तरह तरह के स्टॉल, बहुत जानकारी, एम्पल ऑफ नॉलेज, जरूर जाना चाहिए और ज़रूर देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि जागरूकता में ही बचाव है। अगर हम जागरूक हैं तो देश जागरूक है, अगर हम ही जागरूक नहीं है तो हमारे साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। चलते चलते विजय जी मैं आपसे ये कहूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं को दो लाइन में क्या संदेश देंगे? एक ही संदेश है कि आप जब खरीदी करने जाएं तो एक लिस्ट जरूर बना के लेके जाएं। मॉल में खरीदी करते समय या स्टोर्स में, बड़े स्टोर में खरीदी करते समय अक्सर कर आप 100 रुपये का सामान लेने जाते हैं और 300 रुपये का सामान ले आ जाते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि आपके पास सूची नहीं होती। एक तो सूची बना के जाएं, अत्यावश्यक सामग्री ही खरीदें और वहाँ पर एक चीज़ की 20 वैरायटी होती है उसमें ना जाएं, जो आपके मस्तिष्क में पहले से सुनियोजित हो वही सामग्री खरीदें, और सामग्री खरीदने का बिल कैश मेमो अवश्य लें ताकि आपके पास खरीदी का प्रमाण रहे जो आपको आगे काम आएगा। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और ज़रूर इस कार्यक्रम में आएं। और हाँ, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यदि आप पीड़ित हैं तो न्याय सिर्फ उसी को मिलता है जो जागरूक होता है, जो अपने अधिकारों को पहचानता है, अपने कर्तव्य को जानता है। तो न्याय चल के आपके दरवाजे नहीं आएगा, आपको न्याय के पास जाना पड़ेगा और न्याय को मांगना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी तरीके से कोई ठगी का शिकार हैं तो आप हमारे संस्थान उपभोक्ता संरक्षण कल्याण सेवा समिति में अपना आवेदन दे सकते हैं। हमारा पता है Basement 1 विजय स्तंभ भवन, Zone 1 MP नगर, एक्सिस बैंक के सामने। आपकी सेवा समिति का कोई फॉर्म या कोई ऐसा डाटा जिसको लेकर आपके पास ग्राहक आ सकते हो?
सरलीकरण एक फॉर्म हमने बनाया है। इस फॉर्म में वो सब प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के से जो आपके मतलब आपसे संबंधित और उस प्रोडक्ट से संबंधित जिसकी शिकायत है और उस दुकानदार या सेवा प्रदाता से संबंधित है, इसको आप भर के हमें देंगे तो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस पर हमारे नंबर भी दिए हुए हैं और ये सारी कार्रवाई मैडम निःशुल्क है। शुक्रिया विजय जी, आप हमारे चैनल में आए और उपभोक्ताओं को अच्छी जानकारी दी। चैनल की ओर से भी आपको एक संदेश, जागते रहिए, जागरूक रहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।